Hello dear students, welcome back to the GDC live. So dear students, in the series of the ZPAT 2022 question paper video analysis, today we are going to discuss the question asked from the pharmaceutical jurisprudence, management, hospital pharmacy and cosmetics. जी हाँ, इनसे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस बने, आज उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। क्वेश्चन बहुत बेसिक और इजी आए, और ये अगर आपने एक बार ढंग से साथ में हमारे पढ़ाई की होगी तो आपको ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, क्वेश्चन में क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और अगर बात होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, तो हमारा पहला सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और एक ही एक्चुअली बात किया जाए तो कहां एस्टेब्लिश्ड हुआ, हमारे कोलकाता में। जी हां, तो पहली सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो हमारी एस्टेब्लिश्ड हुई वो कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड हुई। अगर यहां पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता तब आपका लखनऊ हो जाता, अगर यहां पे सीसीएमबी होता तो वो हैदराबाद में होता। तो यहां पे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी पूछा गया तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया कहां से, कोलकाता। आपकी डिफरेंट लेबोरेटरीज और उनके प्लेसेस आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो देखिए यहां पे डिफरेंट आपकी लेबोरेटरीज, लाइक गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री आपकी गाजीपुर और नीमच में है, आपका गाजीपुर हो गया। नेक्स्ट आप बात कर रहे हो इंस्टीट्यूट ऑफ द माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी चेन्नई, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मुंबई। नेक्स्ट बात होती है इंडियन वेटनरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली की बात होती है, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद, इंडियन सोसाइटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोलॉजी दैट इज द पुणे, एंड इंडियन प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन सेंटर दैट इज द मुंबई। तो ये डिफरेंट लेबोरेटरीज और उनके लोकेशन हमेशा इनसे पूछे जाते हैं, प्लीज ये सीरीज को एक बार जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, हमारी दो एडवाइजरी बोर्ड होती हैं अगर आप बात करते हो आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, एक होता है हमारा क्या ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और दूसरी हमारी क्या होती है कंसल्टिंग कमेटी। अगर आप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन टाइप के मेंबर होते हैं, कौन कौन से, एक्स ऑफिशियो मेंबर 8 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर 5 होते हैं और इलेक्टेड मेंबर 5 होते हैं। एक्स ऑफिशियो में जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो हमारे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, लेकिन यहां पे क्या बोला गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द डीटीएबी, स्टेटमेंट गलत है, काट दीजिए। इन डीटीएबी देयर विल बी 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर, सही है, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई होप आप लोग अब तक आंसर ढूंढ चुके होंगे। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार आप मेंबर देखना चाहो चलिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। अगर यहां पे देखिए एक्स ऑफिशियो में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हु इज द चेयरमैन ऑफ द डीटीएबी, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटनेरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एमसीआई एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पीसीआई। ये टोटल 8 हमारे यहाँ पे एक्स ऑफिशियो, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो ये है हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द डीटीएबी। आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट, एज पर द फार्मेसी एक्ट इन द कंपोजिशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई द टोटल नंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द इंडिया एंड नेक्स्ट हमारा क्या होता है डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। 3 हमारे ऑप्शंस हुए, आंसर यहां पे 3, दैट इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर, इसमें ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है।
तो एक्स ऑफिशियो में हमारा क्या हुआ, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। 8 हमारे इलेक्टेड, 9 हमारे एक्स नॉमिनेटेड मेंबर्स यहां पे होते हैं और 3 हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस से पूछे गए। चलिए अब चलते हैं फार्मा मैनेजमेंट की तरफ। फार्मा मैनेजमेंट से हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ द स्टेबलाइजिंग अ प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर। अगर सपोज मान लीजिए आप किसी भी एड को बार बार देख रहे हो, एडवर्टीजमेंट को बार बार देखते हो, तो क्या होता है आपके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे अगर बोला गया डिटॉल, तो आपको अगर सपोज एक चीज होता है ना, एक छोटी सी बात करते हैं, अगर सपोज आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको नूडल्स खरीदना है, तो आप क्या बोलते हो, भैया मैगी दे दो। प्रोडक्ट आपके माइंड में बैठ चुका है, प्रोडक्ट आपके माइंड में पोजीशन कर दिया गया है। या अगर बात करते हैं आपको लेना है सपोज कोई भी चीज लेना है, तो जब आप जैसे निर्मा है, निर्मा का एक बहुत बड़ा चला था कि भैया अगर आपको सपोज क्या लेना है, वॉशिंग पाउडर लेना है, भैया निर्मा दे दो। तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट आपके माइंड में पोजीशन कर दिया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि स्टेबलाइजिंग अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर, कस्टमर के माइंड में अपना प्रोडक्ट सेटअप करना क्या कहलाता है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, हां जी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नहीं, जहां पे आपको डिफरेंशिएट कराया जाता है कि उस प्रोडक्ट से ज्यादा ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो चीज होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट टारगेटिंग, जब एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए जब कोई प्रोडक्ट टारगेट किया जाता है, तब वहां पे आता है। जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए एक हाई सोसाइटी है, अब हाई सोसाइटी को अगर टारगेट किया जाता है, तो ये होता है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फोर व्हीलर की बात होती है, आप मेरी बात समझिएगा, रोल्स रॉयल्स की बात होती है, तो उसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पता है एक वो अलग ही उसका क्या है, प्रोडक्ट टारगेट है, वो टारगेटेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, मार्केट सेगमेंटेशन। अब आप किस मार्केट के लिए आप जा रहे हो, एक बिलो द इकोनॉमी जा रहे हो, हैवी इकोनॉमी जा रहे हो, तो एक किस टाइप के कस्टमर को आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो यहां पे होता है मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये डिफरेंट हमारे आते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को माइंड में टारगेटेड कस्टमर के माइंड में सेटअप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट पोजिशनिंग बोलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट पोजिशनिंग। चलो एक बार जल्दी समझ लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड एज द पोजिशनिंग। एंड पोजिशनिंग हमारा, जैसे मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड मार्केट पोजिशनिंग, ये अलग अलग चीजें हमारी आती हैं, तो इनके बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैनेजमेंट पार्ट से अगर आप देखे होगे, तो ये चीज इतना टफ नहीं था कि आप ना कर पाओ, क्वेश्चन बड़े ईजी थे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्टिंग इन टू इंडिया विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंस। अब अगर कोई भी अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हो, तो उसमें तीन कंडीशंस आती हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं यू कैन नॉट इंपोर्ट देम, मींस दे आर प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट, जैसे एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड, ये सारे सब्सटेंस है, तो उनको आप बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। नाउ द कुछ सब्सटेंस इज देयर जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं बट विद द लाइसेंस करेंगे, जैसे हमारे रेडी टू यूज मेडिसिन है, आप अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं द प्रोडक्ट यू कैन इंपोर्ट विदाउट लाइसेंस, और उसमें हमारी कोई भी मेडिसिन नहीं होती है। हां, अगर कोई एपीआई है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो, रेडी टू यूज ना हो, उसको आप विदाउट लाइसेंस यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, इंसुलिन, दिस इज द प्रोडक्ट, आपको यहां पे रेडी टू यूज है, आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, इटोपोस विदाउट लाइसेंस नहीं कर सकते। इटोपोसाइड की बात होती है, ये हमारी एंटी कैंसर ड्रग होती है, आप इसको भी बिल्कुल विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। लैक्टोज, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा एडिटिव है ना, और एडिटिव है तो हाँ इसको हम विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट कर सकते हैं। ग्लूटेथिमाइड की बात किया जाए, सेडेटिव हिप्नोटिक की ड्रग हमारी आ जाती है, इसको भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट लाइसेंस, लैक्टोज, और यहीं पे आपको मिल गया आंसर, सिंपल है। तो हमने बोला तीन क्लासेस, पहली क्लासेस क्या आई, क्लास ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक विच आर प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट, नहीं कर सकते, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड, स्पूरियस ड्रग या शेड्यूल जे क्लास की ड्रग, या अगर हम बात करें जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल कंट्री और हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन एनालिसिस के अलावा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो। सेकेंड आता है इंपोर्ट
इंपोर्टेड बट विद द लाइसेंस की बात किया जाए, चाहे आपकी कोई भी न्यू ड्रग है, शेड्यूल एक्स की ड्रग है, CC1 की ड्रग है, एंड थर्ड हमारा आता है क्लास विच मे बी इंपोर्टेड विदाउट लाइसेंस। यहां पे हम बात करते हैं CC1 के ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो आपको यहां पे नॉट फॉर द मेडिकल यूज के लिए जो आप सब्सटेंस इंपोर्ट कर रहे हो उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट लाइसेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हमारी अमेरिका का एक कंसल्टिंग कमेटी है, जो हमारी सबसे आज की डेट पे सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंसल्टिंग ग्रुप कहलाती है। उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया और उस मैट्रिक्स का यूज किसके लिए किया जाता है, आपसे सिंपल क्वेश्चन ये किया गया। अगर इस मैट्रिक्स की बात किया जाए, तो आप अगर बात समझो, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो एक्चुअली फॉर्मेशन हुआ था वो किसके लिए हुआ, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के मैनेजमेंट के लिए, लेकिन जो उसकी मैट्रिक्स आई वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए बनाई गई। आपसे पूछा गया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर, आंसर है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये भी हमारा मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन है, तो ये आपने शायद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, मैं इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। बीसीजी मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर डिटेक्टिंग टैकलिंग द इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड द मेकिंग डिसीजन। क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके लिए डिसीजन लेना, वो हमारा होता है क्या, बीसीजी मैट्रिक्स के हमारी यूज होता है। ये अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग कमेटी होती है, 1963 में हमारी ये फॉर्म हुई थी, और ये आज की डेट पे लार्जेस्ट मैनेजमेंट फर्म है बॉस्टन अमेरिका की, दैट हैव द हाईएस्ट रेवेन्यू। उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया और ये मैट्रिक्स उन्होंने बोला कि अगर ग्रोथ रेट हाई है या लो है, और अगर बात किया जाए तो रिलेटिव मार्केट शेयर उसका हाई है या लो है, उसके बेसिस पे एक इन्होंने मैट्रिक्स बनाया है। इसको यहां पर डिटेल में नहीं, इसको क्लास में आप पढ़ोगे तो पूरा पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 79th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रिस्क्रिप्शन प्राइस कंसिस्ट ऑफ। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज थे कि सर क्या आंसर होगा, क्यों होगा, आइए समझते हैं। अगर किसी भी ड्रग का एक प्रिस्क्रिप्शन प्राइस होता है वो किसके बेसिस पे रखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन प्राइस है, मतलब यहां पे जो इसने प्रिस्क्रिप्शन राइट किया है उसका फीस भी जुड़ चुका है, करेक्ट। प्रोडक्ट की अपनी चार्जेस जो है वो एमआरपी है वो तो रहेगा ही रहेगा, मींस जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट है उसमें प्रोफेशनल फीस जोड़ दिया जाए तो वो बन गई क्या, प्रोफेशनल प्राइस बन गया। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं, कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट ओनली, नहीं, कॉस्ट ऑफ द प्रोफेशनल फी ओनली, ये दोनों अकेले तो नहीं हो सकते, दोनों को ऐड करना होगा, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड कॉस्ट ऑफ द डिस्पेंसिंग ओनली। देखो प्रिस्क्रिप्शन की बात है तो केवल डिस्पेंसिंग से काम नहीं चलेगा, जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसकी भी तो फीस इंक्लूड होगी ना, तो कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड प्रोफेशनल फी ओनली, ये हमारा होता है क्या, प्रिस्क्रिप्शन फी। अब बताइए सर ये प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन फी है इसको कैसे काउंट किया जाता है, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं। प्रिस्क्रिप्शन प्राइस इज एसेंशियली अ समराइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ड्रग इंग्रेडिएंट प्लस प्रोफेशनल फी, दोनों जोड़ दिया जाए तो बन जाता है कॉस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन प्राइस। अब अगर ये प्रोफेशनल फी की बात करेंगे तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग एज वेल एज द प्रॉफिट, दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। और कॉस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ड्रग कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड इन। तो ये एक फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, आपको फ्यूचर में कभी इनसे काम हो सकता है तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिक्स, वॉक इन हेल्थ सेंटर एंड नर्सिंग होम। देखिए अब यहां पे बहुत सारी चीजें जोड़ दिया गया कि अगर आप एक प्राइवेट सेंटर की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, क्लिनिक्स की बात कर रहे हो या नर्सिंग होम की बात कर रहे हो, तो ये सब क्या सिस्टम में आता है, ये सब क्या कहलाता है। तो पहली चीज, कम्युनिटी फार्मेसी केवल तो नहीं होगा, कम्युनिटी फार्मेसी आपको पता है जो एक लोकल एरिया की बात होती है, एक एरिया पे आता है खाला, एक एरिया पे हमारी जो पॉलिसीज होती है वहां पे हमारा आता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करेंगे तो केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आएंगे, प्राइवेट तो नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, जी हाँ,
हेल्थ सिस्टम, फार्मेसी, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये सारी चीजें हमारे किसके पार्ट हैं? हेल्थ सिस्टम फार्मेसी के हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट नहीं। बात किया जाए तो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम तो नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी, हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली चीज थी नहीं। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हैं? हेल्थ सिस्टम, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम बन गया है और हेल्थ सिस्टम फार्मेसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हमारी आती हैं। दैट इज द राइट आंसर। तो जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, या अगर हम बात करते हैं हमारा यहाँ पे क्लिनिक्स हैं या नर्सिंग होम की बात करते हैं, ये सब किस में आता है? हेल्थ सिस्टम फार्मेसी के अंतर्गत आता है। रेमिंगटन की बुक में 22nd एडिशन के पेज नंबर 6-7 शुरुआत में ही ये साफ साफ लिखा गया है, हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। नाउ द नेक्स्ट, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सेप्ट। अच्छा, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या क्या होता है? आप हॉस्पिटल में जो फॉर्मुलरी रखी होती है, जिसको हम एचपी बोलते हैं, हॉस्पिटल एचएफ बोलते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, उसमें क्या क्या होता है? इंग्रेडिएंट का इंफॉर्मेशन होता है, उसका वेट होता है, कितना डोज है, कैसे लेना है, उसके हमारे एडवांटेज क्या है, उसमें क्या क्या डिमेरिट्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कहीं भी किसी भी ड्रग का प्राइस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में नहीं रखा जाता है, ना ही सिम्स मिम्स इनमें किसी में भी नहीं होता है। क्लियर, करेक्ट। तो इसी के बेसिस पे चलो ऑप्शन देखते हैं। कंपोजिशन का डिटेल होता है, इंडिकेशन का डिटेल होता है, कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है वो चीजें होती है। प्राइसिंग बिल्कुल नहीं होता। डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से लेना है, कब लेना है, ये सारी चीजें भी होती हैं। एक्सेप्ट पूछा गया था, तो आंसर क्या हो गया? प्राइसिंग। की हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में बाकी सारी चीजें होती हैं, प्राइसिंग की कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं होती है। तो आंसर लगा दो क्या? सी इज द करेक्ट आंसर, प्राइसिंग आंसर हमको मिल गया। सो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंटेन्स ऑल द थिंग्स बट एक्सेप्ट प्राइसिंग। इट कंटेन्स द प्रोक्योरिंग प्रोसेस, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिकेशन, एवरीथिंग इज देयर, बट नो प्राइस इज देयर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम द कॉस्मेटिक्स। आइए देखिए क्या कह रहा है। अ टिपिकल स्किन क्रीम ओहो कंसिस्टिंग ऑफ स्टीयरिक एसिड। क्या है भाई? स्टीयरिक एसिड है, और स्टीयरिक एसिड हमारा है, अच्छी बात है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर। ओके, मींस स्टीयरिक एसिड का वाटर के प्रेजेंस में क्या कराया जा रहा होगा? इमल्सिफिकेशन हो रहा होगा, बढ़िया। और इमल्सिफिकेशन के बाद उसका हमारा सॉल्ट बन रहा होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बेस के साथ। ग्लिसरीन तो हमारा क्या है, ह्यूमेक्टेंट के रूप में काम कर ही रहा होगा। तो ये क्या प्रोडक्ट का एग्जांपल हो गया? सिंपल है बेटा, ये हमारा एग्जांपल होगा, दैट इज द वैनिसिंग क्रीम का एग्जांपल। बहुत स्टीयरिक एसिड एक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग है, वैनिशिंग क्रीम की बात होती है। तो बाकी सारे आंसर छोड़ो, वैनिशिंग क्रीम सिंपल, स्टीयरिक एसिड सबसे ज्यादा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर एंड परफ्यूम प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीजें ऐड की गई हैं। और ये किसका एग्जांपल है? वैनिशिंग क्रीम का एग्जांपल है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस अंडर द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमने बात किया हमारा कॉस्मेटिक्स, इनसे हमारे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए, सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।